नमस्कार, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी बिटिया का पेपर दिलाने, और यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म चोखा बाटी। तो हम लोग गर्मा गर्म चोखा बाटी खाएंगे और आपको बनता हुआ भी दिखाएंगे किस तरीके से वो बना रहा है। तो इसमें आलू और बैंगन का भरता जो है तैयार हो रहा है, उबल रहा है कंडी की आग पे, मतलब कंडी की आग पे। देखिए कितना धीमी धीमी आँच पे पक रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर लगेगा। और भैया वो देखिए राख पे पका रहे हैं बाटी, राख जो कंडी की आग है उस पे बाटी पक रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए आपको हम लेके चलते हैं इनके पास। ये देखिए एक साइड से पक चुकी हैं हमारी बाटियाँ, और ये गरम गरम खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। तो गाइस जिस किसी को खानी तो सुबह का मॉर्निंग का नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो भैया यहाँ बन रही है बाटी, तो हम लोग नाश्ते में करेंगे आज चोखा बाटी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारा पूरा जो जिस तरीके से हम लोग खाते हैं, मतलब सौंधा सौंधा भरता और बाटी, चोखा और बाटी का स्वाद फ्लेवर कैसा होता है वो आज हम लोग बताएंगे किस तरीके से उसका फ्लेवर होता है। और बहुत टेस्टी तो लगता है, क्योंकि काफ़ी उसको घर में भी मैं बना के खाती हूँ, लेकिन आज बाहर आई हूँ तो उसका स्वाद चखने जा रही हूँ। तो आप हमारे साथ बने ही रहिए और मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए। भैया हम बन चोखा बाटी बनने का इंतज़ार कर रहे हैं और चोखा दे रहे हैं। समय जो है धीरे धीरे कट नहीं रहा है, और यहाँ सभी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे जो पेपर देने आए हैं और पेरेंट्स उनका वेट करेंगे जब तक पेट पीछा नहीं हो पाता है। तो सब लोग कुछ चाय समोसा पेपर पड़ रहा है, तो सब अपना अपना समय काट रहे हैं इस तरीके से। वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, ये देखिए भैया सब लोग बैठे हुए हैं। और ये है राम कुमार की जो है चोखा बाटी की शॉप, इसका एड्रेस है हुमन कैंपस फाउंटेन जो है सुल्तान फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो आप जब कभी आएँ तो यहाँ चोखा बाटी ज़रूर खाएं। देखिए बाटियाँ बनी रखी हुई हैं कितनी अच्छी टेस्टी टेस्टी, ये देखिए अभी चोखा बना रहे हैं। और जब चोखा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि मसाले भी उतर रहे हैं, उसका मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और चोखा बाटी बनकर तैयार तब हम उसका टेस्ट इंतजार करते चोखा बाटी का, और बच्चों का भी इसमें। तो भैया चोखा हमारा बन के रेडी हो गया है, भैया ने चोखा बहुत ही टेस्टी बनाया है प्लस चटनी, अब गर्मा गर्म बाटी। तो अब हम इसे खाने जा रहे हैं, टेस्ट चखेंगे इसका। तो अब इसका हम फ्लेवर बताएंगे किस तरीके से इसका स्वाद होगा। क्या नाम है भैया आपका? यादव। राम कुमार यादव जी हैं जो चोखा बाटी बनाते हैं यहाँ हुमन कैंपस के पास में। तो जो को भी इधर कोई आए तो यहाँ जरूर चोखा बाटी खाए गर्मा गर्म। तो चलिए हम लोग चोखा बाटी खाते हैं। तो भाई घी में डिप की हुई बाटी देखिए कितना अच्छा, देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना सोंधा सोंधा और स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ जब सब काफ़ी लोग आते हैं तो ये चोखा बाटी ही खाते हैं। तो भैया हम भी इसका फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लोग यहाँ खा रहे हैं। देखिए कैसा लग रहा है भैया बताइए आप। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग चोखा बाटी खा लेते हैं, उसके बाद आप सुना। भैया राम कुमार यादव जी की चोखा बाटी खा के हमको तो बहुत टेस्टी आनंद आ गया, बहुत टेस्टी लगा। काफी लोग मतलब चोखा बाटी ही खा रहे हैं, क्योंकि इतना सौंधापन चोखा बाटी में रहता है। और बहुत ही अच्छा कंडी की आग पे बनी हुई बाटी थी, और चोखा भी बहुत टेस्टी। और इसका फुल एड्रेस आपको मैं आपको शेयर कर रही हूँ, हुमन कैंपस, हुमन कैंपस है ये दरोगा खेड़ा लखनऊ। तो जब कभी आप इधर कानपुर रोड पे आइए तो यहाँ का एक बार चोखा बाटी ज़रूर टेस्ट करें, और फ्लेवर बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसा लगा। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हमें नए वीडियो के साथ।